चलो वेलकम फ्रेंड्स। आप लोग ने बहुत बार देखा होगा ये बजट के अंदर आप लोग को बहुत जन को कंफ्यूजन है कि न्यू टैक्स रिजिम में क्या चेंज आया। बहुत जन आपने सुना होगा कि 7 लाख रुपए तक माफ है और पहले 5 लाख रुपए तक माफ था, या रिबेट में क्या चेंजेस आया है, या बहुत कॉमन क्वेश्चन जो सबके दिमाग में है, 7 लाख रुपए तक नो टैक्स, 7 लाख रुपए तक नो टैक्स। तो अपने को यही मैं बताने चाहता हूं कि किस तरह से आपको 7 लाख रुपए तक टैक्स एग्जम्पशन मिलने वाला है फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 या प्रीवियस ईयर 23-24। फिर एक बार बोल रहा हूं, दिस इज नॉट फॉर द करंट ईयर, इट विल बी फॉर द नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 23 ऑनवर्ड्स टिल 31 मार्च 24 की इनकम के बारे में बात चल रही है। प्लीज ध्यान देना, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो अभी जून में या दिसंबर में, उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। इट इज फ्रॉम द जून 24 एग्जाम। देखते हैं कि ये बजट में और पुराने बजट के बीच में, मतलब विच आर द चेंजेस जो हम लोग को एप्लीकेबल रहेगा आने वाले पीरियड के लिए, और कितना हम लोग को फायदा हो रहा है इन केस ऑफ टैक्स एग्जम्पशन बिकॉज ऑफ द करंट बजट। ठीक है, ध्यान दो। ये है ना असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। अगर असेसमेंट ईयर 23-24 सचो, मतलब इट इज नथिंग बट योर प्रीवियस ईयर 22-23 जो अभी चल रहा है, जिसका ईयर एंड आने वाला है अभी 31 मार्च को। 2.5 लाख तक जीरो टैक्स था, 2.5 to 5 में 5%, फिर 10%, 15%, 20% और 25% था। अबाउ 15 लाख पर 30% का हाइएस्ट टैक्स रेट था, जो आपको पता होगा ये आपका AY 23-24 में था, जो लास्ट ईयर के बजट के हिसाब से था। क्लियर हुआ? ऑब्वियसली ये आपके लिए, ये एग्जाम के लिए जून 23 के लिए एप्लीकेबल रहेगा, दिसंबर 23 के लिए एप्लीकेबल रहेगा, राइट? लेकिन ये बजट में क्या हुआ है इसके बारे में मैं अभी आगे बता रहा हूं, क्या चेंजेस है ये बजट में। अभी ये बजट में क्या हुआ है, देखो, ये जो लिमिट था वो 3 लाख पर चला गया AY 24-25 के लिए। तो पहला 3 लाख 0%, फिर 3-3 लाख, जो पहले 2.5 के थे अभी 3-3 लाख के हो गए। तो 0% इधर 0-0 रहा, ये 5%, लेकिन 3-6 हो गया इंस्टेड ऑफ 2.5-5। फिर 10% 3-3 लाख पर बढ़ रहा है, लेकिन अबाव 15 लाख पर वो भी 30% ही रहा जो इधर था। क्लियर हुआ? मतलब ये रेट सेम रहेगा, लेकिन यहां आपका थोड़े चेंजेस के कारण आपका टैक्स में बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। गॉट इट? ये टैक्स रेट स्लैब रेट चेंज हुआ है, जो 2.5 लाख 2.5 था वो 3-3 लाख पर हुआ है। क्लियर हुआ यहां तक? व्हाट इज अ मेजर इंपैक्ट? यहां रिबेट था अंडर सेक्शन 87A, ये साल तक 5 लाख पर 12,500 मैक्सिमम। मतलब अगर मैं 5 लाख रुपए तक कमा रहा हूं ये साल, मतलब इट वॉज 22-23 में, तो मेरा टैक्स रेट आता था 0 और इस पर आता था 12,500। ये 2,50,000 पर 5% 12,500 था जो माफ हो जाता था, मतलब मेरा टैक्स 0 था अगर मैं 5 लाख कमा रहा हूं तो। लेकिन अभी के बजट में 87A के अंदर 5 लाख बन जाता है 7 लाख और 12,500 बन जाता है 25,000। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो, अगर आप 3 लाख कमा रहे हो तो 0 टैक्स है, पहले 3 लाख पर 0 टैक्स है, दूसरे 3 लाख पर 5%, 3 लाख का 5% होता है, मतलब दूसरे 3 लाख पर आपको 15,000 टैक्स भरना है, दूसरे 3 लाख पर 5%, मतलब 15,000 भरना है, और फिर 6 लाख से 7 लाख के बीच में, मतलब वो 1 लाख पर 10%, मतलब 10,000 भरना है। आप समझे? पहले 3 लाख पर 0, दूसरे 3 लाख पर 15,000, और फिर 1 लाख पर 10,000, मतलब टोटल टैक्स भरना है 25, और मैक्सिमम रिबेट भी 25 है, मतलब 25 के सामने 25 निकल जाएगा तो आपका टैक्स हो जाएगा 0 अगर आप 7 लाख रुपए तक कमा रहे हो। गॉट इट? जो आज तक 5 लाख तक टैक्स 0 आ रहा था, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आपको 7 लाख रुपए तक आपका टैक्स 0 रहेगा। ये आपको लॉजिक समझना होगा। रिबेट जो 12,500 था वो 25 बन जाता है, लिमिट 5 लाख तक था वो 7 लाख बन जाता है। गॉट इट? तो इसके बाद का जो अमेंडमेंट्स हैं, कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स हैं, वो लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट।
कि किस तरह से 7 लाख रुपए तक टैक्स जीरो आने वाला है। गॉट इट? जो आज तक 5 लाख था, नेक्स्ट ईयर से 7 लाख हो जाएगा। चलो क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे के अमेंडमेंट्स। चलो बाय एवरीवन।